अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल ऑफ डीएनए या स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए, या जिसे क्या कहते हैं वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए इसलिए कहते हैं, तो वाटसन एंड क्रिक्स ने क्या किया कि डीएनए के मॉडल को पेश कर दिया है। ठीक, तो इस दौर में हम जो डीएनए का मॉडल पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वो कौन सा मॉडल है? वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। तो वाटसन एंड क्रिक्स ने क्या कर लिया कि डीएनए का मॉडल पेश कर लिया। मॉडल को पेश करने के बाद इन दोनों को नोबेल प्राइज भी मिल गए। तो वाटसन एंड क्रिक्स के पॉइंट्स क्या हैं? तो इनका पॉइंट्स ये कि डीएनए जो डबल डीएनए क्या चीज है, एक डबल एलेक्स मॉलिक्यूल है। इनका क्या कहना है, डीएनए के डबल एलेक्स मॉलिक्यूल है। यही डबल एलेक्स मॉलिक्यूल हमें किस तरह दिखाई देगा? सीढ़ी की तरह दिखाई देगा। लुक यानी लेटर लाइक हमें कैसे नजर दिखाई देगा? सीढ़ी की तरह दिखाई देगा। यानी अगर हम इस तरह बना लें तो डीएनए मतलब इसी तरह, अगर इस शेप को मटा ले, यूं सीधा कर ले, तो डीएनए का शेप यूं होगा। तो इस वजह से इन साइंटिस्ट का कहना है कि ये हमें किस तरह नजर आते हैं, सीढ़ी की तरह नजर आ जाते हैं। तो फिर इन्हीं साइंटिस्ट का कहना है कि इस डीएनए की जो अपराइट पार्ट्स है, इस लेटर की ये जो अपराइट पार्ट्स है, ये वाले जो पार्ट्स है, ये किस चीज पर मुश्तमिल है? ये फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप प्लस फाइव कार्बन शुगर। यानी डीएनए की जो अपराइट पार्ट्स हैं, ये किस चीज से बने? ये वाले पार्ट्स, ये वाला, ये फॉस्फेट ग्रुप्स और फाइव कार्बन शुगर से मिलकर बना है। और सीढ़ी के दरमियान में जो रंग्स मौजूद हैं, यहाँ पे जो नजर आ रहे हैं, ये किस चीज से बने हैं? ये नाइट्रोजिनस बेस से मिलकर बने, नाइट्रोजिनस बेस से मिलकर बने हैं। अब ये नाइट्रोजिनस बेसिस चार हैं, तो इनमें से एक एडिनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है और गैर गवानिन है। इस तरह यहाँ पे नजर आ रहा है एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गवानिन, थाइमिन, एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन, ये नजर आ रहा है। ठीक, अब इन्हीं साइंटिस्ट का कहना है कि एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ मिलेगा, थाइमिन हमेशा एडिनिन के साथ मिलेगा, गवानिन साइटोसिन हमेशा गवानिन के साथ, गवानिन हमेशा साइटोसिन के साथ। इस तरह यहाँ पे एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ, थाइमिन हमेशा एडिनिन के साथ, साइटोसिन हमेशा गवानिन के साथ, गवानिन हमेशा साइटोसिन के साथ, ये इस तरह आपस में मिले। तो एडिनिन और थाइमिन के दरमियान हमेशा दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, साइटोसिन और गवानिन के दरमियान हमेशा कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। यानी ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस आपस में मिले हुए, ये किस चीज के थ्रू मिले हुए आपस में? यानी ये एडिनिन जो इस थाइमिन के साथ मिला हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, तो ये गवानिन इस, ये साइटोसिन इस गवानिन के साथ मिला हुआ है, तो किस चीज के थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। लेकिन एडिनिन और थाइमिन के दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, साइटोसिन और गवानिन के दरमियान कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि इनका आपस में मिलना है स्पेसिफिक है। एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ मिलेगा, एडिनिन किसी एडिनिन के साथ कभी भी नहीं मिलेगा, एडिनिन कभी भी साइटोसिन के साथ मिलेगा, वो उस सूरत हो सकता है जब कोई म्यूटेशन काज हो जाए। अब क्या है कि डीएनए की अगर हम यहाँ पे यूं डायमीटर निकालें, साइज की बात करें, तो यहाँ इस पॉइंट में हम कहते हैं कि डीएनए की साइज कितनी है? 2 नैनोमीटर डायमीटर है। ठीक है, तो आगे पॉइंट्स क्या है कि ये डीएनए का एलेक्स, डीएनए कब एलेक्स की फॉर्म में आ जाता है, कब इस तरह डीएनए यूं वाइंड हो जाती है? जब इस तरह 10 नाइट्रोजिनस बेसिस कंप्लीट हो जाते हैं, यानी 1 2 3 4 है, तो इस तरह 10 नाइट्रोजिनस बेसिस कंप्लीट हो जाते हैं, फिर ये डीएनए कैसे होगा? इस तरह यूं मुड़ जाएगा, ये एलेक्स की फॉर्म में आ जाएगा।
अब ये देखें, एक नाइट्रोजनस बेसिस है, ये दूसरा नाइट्रोजनस बेसिस है, इन दोनों नाइट्रोजनस बेसिस का जो आपस में फासला कितना है, 0.34 नैनोमीटर है। इनका आपस में फासला कितना है, 0.34 नैनोमीटर है। अच्छा, अब देखिए बात ये हो रहा था कि जब 10 नाइट्रोजनस बेसिस यूं इस फॉर्म में 10 नाइट्रोजनस बेसिस जब आ जाते हैं, फिर ये डीएनए कैसा होगा, एक एलेक्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो यानी इस तरह यहां से लेकर यहां तक पूरा, अगर हम इस पूरे डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितने, 3.4 नैनोमीटर होगा। कितने, 3.4 नैनोमीटर होगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स हम बता रहे हैं, ये किसके, वाटसन एंड क्रिक मॉडल के हैं। तो फिर इसी वाटसन एंड क्रिक ने कहा कि डीएनए के अंदर टोटल 2 ग्रुप्स पाए जाते हैं, 2 ग्रुप पाए जाते हैं। इनमें से एक कैसा होगा, माइनर होगा, एक कैसा होगा, मेजर ग्रुप होगा। ये देख चंद पॉइंट्स किसके बारे में, डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो डीएनए के स्ट्रक्चर्स को किसने पेश किया था, वाटसन एंड क्रिक ने, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो इन्होंने कहा कि डीएनए हमेशा एक डबल एलेक्स मॉलिक्यूल है, तो इसको भी ये एलेक्स है, ये दूसरा एलेक्स है, और ये डबल एलेक्स मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं। तो ये डबल एलेक्स मॉलिक्यूल किस तरह नजर आएगा, सीढ़ी की तरह नजर आएगा। तो इसी जो सीढ़ी के या डबल एलेक्स मॉलिक्यूल के जो अपराइट पार्ट्स हैं, ये फास्फेट ग्रुप्स और 5 कार्बन शुगर से मिलकर बने हैं। बाकी इसके दरमियान में जो रंग से नजर आते हैं, ये किस चीज से बने, नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बने। नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गवानिन। ये नाइट्रोजनस बेसिस आपस में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में मिल जाती हैं। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ मिलेगा, थाइमिन हमेशा एडेनिन, साइटोसिन हमेशा गवानिन के साथ, गवानिन हमेशा साइटोसिन के साथ मिलेगा। तो एडेनिन और थाइमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, साइटोसिन और गवानिन या गवानिन और साइटोसिन के दरमियान हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। डीएनए की यहाँ पे जो ना साइज कितना है, 2 नैनोमीटर डायमीटर है। तो आफ्टर 10 बेस पेयर्स के बाद ये डीएनए हमेशा एक एलेक्स की फॉर्म में आ जाता है, डीएनए मुड़ जाता है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 3.4 नैनोमीटर है। अब यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद है, 2 बेसिस का जो आपस में जो फासला कितना है, 0.34 नैनोमीटर है। और डीएनए में तो फिर 2 तरह के ग्रुप्स पाए जाते हैं, एक को क्या कहते हैं, माइनर, और दूसरे को क्या कहते हैं, मेजर ग्रुप। यानी अब ये कैसे होगा, अगर ये छोटा, ये जो पोर्शन है ये ग्रुप्स कहलाते हैं, इनमें से जो छोटा होगा वो माइनर कहलाएगा, और जो बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, मेजर ग्रुप्स कहलाएगा। ये थे चंद पॉइंट्स अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए, योर वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। थैंक यू।